गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्तों। लखराजो इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे जितने भी वीडियो देख पा रहे होंगे, मैंने वोकैब सेक्शन के लिए आपको एससी हार्डविक जो है स्टार्ट किया है। एससी हार्डविक का पहले मैंने जीरो वैल्यू के साथ साथ एक्सरसाइज वाइज वीडियो देने का मैंने प्रयास किया है, यानी आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप जो है एक्सरसाइज वाइज वीडियो को देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे, आज का वीडियो में, आज के क्लास में दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि एक्सरसाइज फोर और वॉल्यूम जीरो के बारे में। यानी आज जितने भी आप वोकैब्स देख पा रहे हैं, जो टोटल 18 है, ये सभी वोकैब्स एक कहानी में आपको मैं जड़ के मोती के समान आपको देने वाला हूं। कृपया करके आप वीडियो को देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक्स कीजिए। चलो दोस्तों, अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको तो पता है कि हमारे मन में क्या रहता है, हमारा एक कॉन्सेप्शन क्या होता है, ठीक है। यानी कॉन्सेप्शन का मतलब दोस्तों ये होता है अवधारणा। कॉन्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अवधारणा। आप देख पाइएगा मीनिंग, कॉन्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अवधारणा। और ये अवधारणा किस आधार पे? जैसे एक बार गांव में एक मेला लगा हुआ था, वो मेला काफी क्या था? शानदार था, शाही था। यानी आप शाही का तत्पर्य होता है ऐसे, मतलब उससे जुड़े हुए चीजें जो राजा महाराज से संबंधित हो, जिसका दाम जो हो, जिसका मूल्य जो हो, चरमोत्कर हो, यानी क्लाइमेक्स पे हो, यानी हाईली प्राइज हो। तो दोस्तों, क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है? चरमोत्कर्ष। ऐसे सामान जिनका वैल्यू जो होता है हाई होता है, क्लाइमेक्स वैल्यू जिसे कहते हैं। और मेला कैसा लगा था दोस्तों? तो क्या लगा था दोस्तों, आप देख पाइएगा, स्टेटली। स्टेटली का मतलब होता है शाही, शानदार मेला लगा था। लेकिन हम तो पीछे हटेंगे नहीं, किस चीज के लिए? जब हम वस्तु को खरीदने जाते हैं तो हमारे माइंड में कंसेप्शन रहता है, अर्थात दोस्तों अवधारणा रहता है कि हम वहां छूट करें। यानी जो हम सामान खरीदने जाए, सौदा करने जाए, यानी वेयर्स का मतलब दोस्तों होता है सौदा, यानी WARES, वेयर्स का मतलब होता है सौदा। जब हम सौदा करते हैं तो पहले हमारे माइंड में बात यह आता है, हमें थोड़ा सा रियायत चाहिए, छूट चाहिए। यानी उस वस्तु को, जो शाही वस्तु है या कोई भी अन्य वस्तु जो आप खरीदते हैं, तो आपके माइंड में कंसेप्शन रहता है पहले हम उसको क्या करें दोस्तों, तो आप देख पाइएगा कंसेशन। कंसेशन का मतलब होता है रियायत या छूट, जो मूल्य दाम होता है उससे थोड़ा सा आप छूट लेने के लिए कंसेशन का जो है इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, छूट चाहिए। लेकिन क्या हुआ, बात समझिएगा, आप बार बार जाते हैं, आप अपनी बातों को रखते हैं, अधिक बात करते हैं और इस तरह से बात आपका लंबा चौड़ा होने लगता है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति होता है उस वस्तु के लिए आपको मना करता है। यानी मना करने का दोस्तों क्या होता है, वर्ड मीनिंग देखिएगा, यानी कि रिपेल मतलब हटा देना पीछे, यानी आपको हटाता है, नहीं नहीं देखिए आप, मैं आपको सामान नहीं दे सकता, आप छूट, सामान छूट पे आप इस वस्तु को नहीं ले सकते, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप देख पाइएगा, लेकिन फिर भी आप देखिएगा, एक व्यक्ति थे, उन्होंने उस जो है कि मेला में, फेयर में, उन्होंने एक शाही पोशाक पहने हुए, यानी कि जो पोशाक का मीनिंग हम दोस्तों समझेंगे, क्लैड पोशाक वस्त्र पहने हुए एक बहुत बड़े किंग का मूर्ति था, स्टैचू, वो वहां पर गए और वो अपने दाम रखे कि सर ये मुझे चाहिए। लेकिन जो मेला में बेचने वाला था वो क्या किया, उनके वैल्यू को देखते हुए उस जो कि किंग स्टैचू था उसके वैल्यू को बढ़ाने लगा, यानी अनंत जाने लगा, यानी कि इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है दोस्तों? अनंत। और क्या किया, टोटली, यानी कि स्टार STAR के माने टोटली, परिपूर्ण तौर से, एक भी रुपया उस किंग के स्टैचू से पीछे नहीं हट रहा था, बल्कि उन्हें जो है कोई गैर कानूनी या दोस्तों लीगली बात करके आप समझिएगा उसे पीछे हटा दिया। बोला कि देखिए ये जो किंग है, स्टैचू है, कानून तौर पे हम लोग इसको इस तरह का वैल्यू के अनुसार खरीदते हैं, आप इसे छूट पे नहीं ले सकते हैं। यानी उन्हें क्या किया दोस्तों, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, उन्हें रिपेल, इसका स्पेलिंग होगा REPEL, रिपेल मतलब क्या किया, स्टॉप कर दिया, रोक दिया कि देखिए भाई साहब मैं इसे कोई भी छूट पे इस किंग की स्टैचू को आपको नहीं दूंगा। चलिए ये तो बातें हो गई, आप मेला में जाते हैं, आपको सामान पसंद आती है, सामान पसंद अचानक आता है, यानी दोस्तों आप देख पाइएगा कि सडनली होता है, नहीं आप सामान देखते हैं, आप छूट के लिए प्रयास करते हैं लेकिन आपको वो सामान नहीं मिल पाता है, फिर आप बार बार प्रयास करते हैं,
इस तरह से क्या होता है, आप मेरे बातों को समझिएगा कि नेक्स्ट टाइम से आपको मिस नहीं करना होगा। यानी आप कभी भी मेला में जाए तो अलर्ट चौकन्ना रहिए, जो आपको चीज पसंद हो आप जो है उसे लेने से लेने के लिए चुकी थे। आप किसी चीज को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आपको दोस्तों डाइवर्ट यानी विचलित नहीं होना चाहिए और फिल्टर यानी डगमगाना नहीं होना चाहिए। यानी आपको उस वस्तु को खरीदने के लिए डाइवर्ट एंड फिल्टर नहीं होना चाहिए, यानी विचलित और डगमगाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आपको पसंद है तो यू कैन बाय दिस, ओके दोस्तों, आप खरीद सकते हैं। और इस अवसर का यानी प्रोवोकेशन PROVOCATION प्रोवोकेशन, इस अवसर का हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, मौका का फायदा उठाना चाहिए। यानी आपकी मनपसंद चीज मिल जाए मार्केट में, अर्थात खास करके घूमने के पर्पस जाते हैं तो ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। नहीं दोस्तों, बाकी के भी और मीनिंग है, हम इस कहानी से जोड़ेंगे, देखने का प्रयास कीजिएगा। बाकी मीनिंग है एपिसोड, यानी कि अंत तक जब आप एलोक्वेंट बनते हैं, एलोक्वेंट का मतलब होता है वाक्पटु, ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा बोलता हो, लोकैसियस, एक और मीनिंग है इसका लोकैसियस, जो ज्यादा बोलता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, एलोक्वेंट यानी वाक्पटु, बोलने वाला। जब आप बात करेंगे, बार बार बोलेंगे, उससे प्रयासरत करेंगे कि भाई देखो कुछ तो छूट दो यार, उतने दूर से आए हम सामान खरीदने के लिए, तो क्या करेगा वो अंततः आपको क्या करेगा दोस्तों, मेरे बात को समझिएगा, एपिसोड कड़ी और भाग इसका हिंदी होता है, यानी अंत के भाग में देखिएगा कि शाम हो गया, दुकान बंद करने से पहले सोचा चलो भाई शाम का समय दे ही देते इसे, नहीं, इस तरह से आपका भी प्रयास सफल होता है। और आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा मेरा भी प्रयास सफल हुआ, यानी जितने भी आप मीनिंग्स देख रहे हैं, कंसेप्शन, कंसेप्शन, वर्स, स्ट्रेटली, शाही, क्लेर, पोशाक, क्लाइमेक्स, स्टार, इन्फिनिटिव, दोस्तों अलर्ट, डाइवर्ट, फिल्टर डगमगाना, प्रोवोकेशन अवसर, एपिसोड, कड़ी, भाग, रिपील मने हटा देना, रोकना, और रिपील मने पीछे हटाना, और दोस्तों एलोक्वेंट वाक्पटु, और एक मीनिंग बचा है जो कि अपैलिंग यानी भयंकर। अब इसको सुनिएगा, अगर आप सामान खरीदते वक्त ध्यान नहीं देते हैं यानी अलर्ट नहीं होते हैं तो आप दोस्तों अपैलिंग मोमेंट में जा सकते हैं यानी भयंकर स्थिति में। यानी आप सोचिए कि आप अच्छे राशि पे सामान खरीदते हैं और घर पे यूज करते हैं और अच्छा आपका नहीं होता है तो यार आपको तो बुरा लगेगा ना। ठीक है दोस्तों, चलिए आप बताइएगा, ये जितने भी वोकैब्स थे मैंने आपको कहानी के माध्यम से देने का प्रयास किया, आप इसे देखिए, सुनिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, और सबसे खास बात कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए मेरा, लखराजो इंग्लिश अकेडमी, वहां पर टाइप कीजिए और इस क्लास के वीडियो के जितने भी नोट्स है आप वहां पा सकते हैं इजीली, और दोस्तों दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे।